प्लॉट देके रहने की जमीन का मालिक बनाया जाएगा। कोई आदिवासी जनजाति भाई बहन रहने की जमीन के बिना नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री जी आवास दिलवा रहे हैं, इलाज का सवाल है। मैं कहना चाहता हूं, ये प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, आयुष्मान भारत योजना, मोदी केयर, मुझे कहते खुशी है कि मध्य प्रदेश की धरती पे 2.5 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बन गए। मेरे आदिवासी भाई और बहनों, भगवान ना करे बीमार होना पड़े, लेकिन बीमार अगर हो गए तो ये मोदी जी 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री करवाएंगे। सिकल सेल एनीमिया बड़ी बीमारी, मैंने प्रधानमंत्री जी से चर्चा की, उन्हें मुझे कहा मंगू भाई से भी मिलो, उन्हें बहुत काम किया है। तो आज से हम सिकल सेल एनीमिया बीमारी के उन्मूलन से अब के लिए अभियान प्रारंभ कर रहे हैं, ताकि उस रोग की तकलीफों से बचाया जा सके। शिक्षा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी एकलव्य विद्यालय खोल रहे हैं, 50 का आज ही शिलान्यास और लोकार्पण है। गांव गांव आश्रमशालाएं, छात्रावास कांग्रेस ने नहीं दिए थे, कभी दिए थे क्या कांग्रेस ने बताओ? अरे दिए थे क्या? हम पे आरोप लगाते हैं सड़कें तुमने बनाई नहीं, बिजली भी लेके आए तो सौभाग्य योजना में नरेंद्र मोदी जी ने फालिया फालिया बिजली पहुंचाने का चमत्कार किया है। केवल वो लोग आरोप लगाते हैं, अब शिक्षा के लिए काम हो रहा है। और इनका मैं कहना चाहता हूं, गर्व के साथ जेई मेंस और नीट की परीक्षा में जो कोचिंग बच्चों को दिए, आज सैकड़ों की संख्या में हमारे बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, और कई गरीब बच्चे जिन्हें काम फीस नहीं भरवा सकते, तो हम कहा तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। हमारे बच्चे पढ़े, आगे बढ़े, हमने तय किया है यूपीएससी पीएससी की परीक्षा में भी जनजाति बेटा बेटियों को कोचिंग देने का काम किया जाएगा। पुलिस और आर्मी में भर्ती के लिए भी इन बच्चों को ट्रेंड किया जाएगा। और रोजगार के लिए सरकारी भर्ती में जितने बैकलॉग के पद हैं सब भरने का अभियान प्रारंभ कर दिया गया है। आज ही कुछ को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, स्ट्रीट वेंडर योजना और एक योजना और, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी क्रांति योजना हम प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें आप अपना व्यवसाय भी शुरू कर सकेंगे और छोटा मोटा उद्योग भी डाल सकेंगे। एक बात और मेरे जनजाति भाइयों बहनों, पेशा एक्ट बहुत गाली देती थी कांग्रेस, क्या किया तुमने तुम्हारे राज में? अब पेशा कानून चरणबद्ध तरीके से संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा, बिना सामाजिक समरसता तोड़े, सबको न्याय लेकिन सामाजिक समरसता के साथ। ग्राम सभाएं सशक्त बनाई जाएगी और वनोपज तेंदू पत्ता बेचना है अगर तो पायलट के रूप में अब वन समितियां बेचेंगी। ग्राम सभा और सशक्त होंगी, कई तरह के अधिकारों से लैस कर रहे हैं। और जितने छोटे मोटे मामले थे आदिवासी बहनों और भाइयों पे, वो सब वापस लेने का हमने फैसला किया है। मध्य प्रदेश में आबकारी नीति ऐसी बनाई जाएगी जो आपकी परंपराओं का पालन करने में सहयोगी हो। और कई के ऊपर जो बड़ा बड़ा कर्जा था, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो नियमानुसार लाइसेंस लेके निर्धारित दर पे ब्याज पे पैसा देते हैं, लेकिन कई शोषण कर रहे थे, लूट रहे थे, और इसलिए हमने कानून बना दिया जिनने जबरदस्ती जमीन गिरवी रख के जनजाति भाई बहनों का शोषण किया, उनका लिया हुआ कर्जा माफ, उनका सामान वापस करवाया जाएगा, उनका सम्मान भी लौटाया जाएगा। हर गांव में 4 ग्रामीण कारीगर आदिवासी बेटा बेटियों में से ही ट्रेंड करके उनको वहां रोजगार दिया जाएगा। और गांव गांव में पीने का पानी, सिंचाई का पानी भी झाबुआ में, अलीराजपुर में, बड़वानी में, धार में, बताओ कांग्रेस ने कभी पानी दिया था क्या? अगर दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और मेरी जनजाति बहनों, अब ये प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन बनाया है, अब तुम्हारे घर में हैंडपंप का पानी नहीं, पाइपलाइन बिछा के टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी दिया जाएगा। टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और गुंडोर गगरा भर जाएगा।
जनता की जिंदगी बदलने का यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया है और हमारी कोशिश है कि उनकी हर योजना को आदर्श तरीके से हम जमीन पर लागू करें। मैं इतना ही कहना चाहता हूं बहनों और भाइयों, समय की सीमाएं जनजातियों के कल्याण में, उनके उत्थान में, उनके आर्थिक सशक्तिकरण में, शैक्षणिक सशक्तिकरण में प्रधानमंत्री जी तो जी जान से जुटे हैं। मध्य प्रदेश सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बोलिए, आप सबको विश्वास है? इस बार जोर से हो जाए, सबको विश्वास है? तो एक ही अपील करना चाहता हूं कि बिना जन भागीदारी के होगा नहीं, इसलिए हम सब मिलकर करेंगे। प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, उनके द्वारा चलाई गई योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं और आपका सहयोग, मिलकर चलेंगे और हम आगे बढ़ेंगे और मध्य प्रदेश को भी आगे बढ़ाएंगे। उसके लिए आप सबका साथ चाहिए। बोलिए, सबका साथ मिलेगा? तो एक बार मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के बोलिए, भारत माता की, बिरसा भगवान की, हर हर नर्मदे। हमें बिना किसी विलंब के जिनको सुनने, ये जन सैलाब उमड़ा है, चारों तरफ नरमुंड ही नरमुंड दिखाई दे रहे हैं। ऐसे हमारे हृदय के हार, भारत के मुकुटमणि श्रीमान मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि वो आए और आप सबको संबोधित करें और एक बार फिर जोरदार तालियां ढोल नगाड़े बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए, वंदन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से आज जो योजनाओं का शुभारंभ, जिसका मुख्यमंत्री महोदय ने उल्लेख भी किया, सबसे पहले राशन आपके ग्राम योजना लेकर जो सरकार आई है, इस योजना के बारे में विस्तार से, उससे पहले मैं निवेदन करूंगा प्रधानमंत्री महोदय से और सभी गणमान्य विभूतियों से, अपना स्थान ग्रहण करेंगे क्योंकि वो फिल्म जिसके माध्यम से इस योजना को थोड़ा विस्तार से हम जानने की कोशिश करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री महोदय उसका शुभारंभ करेंगे। राशन आपके ग्राम योजना पर आधारित ये लघु फिल्म। चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों न हो, जब देश एकजुट होकर उसका मुकाबला करता है तो रास्ते भी निकलते हैं, समस्या का समाधान भी होता है। प्रधानमंत्री जी के इसी मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों में राशन वितरण की समस्या का समाधान कर रही है। जनजातीय कल्याण की इसी उद्देश्य पूर्ति के लिए मध्य प्रदेश सरकार प्रारंभ करने जा रही है राशन आपके ग्राम योजना। प्रदेश के ऐसे जनजातीय क्षेत्र जहां शासकीय सहकारी उचित मूल्य की दुकान ग्राम में नहीं है, वहां ग्रामीणों को राशन के लिए पंचायत मुख्यालय पर जाना पड़ता है, जिससे अतिरिक्त शारीरिक श्रम तो लगता ही है, साथ ही उस रोज का उनका काम धंधा भी चला जाता है। ऐसे में बुजुर्गों, महिलाओं और निराश्रित को तो और भी मुश्किल होती थी। हितग्राहियों की इसी परेशानी को समझते हुए मध्य प्रदेश सरकार उनके गांव में ही राशन वितरित करने जा रही है। योजना के तहत लाभार्थियों को माह में एक नियत दिवस पर राशन वाला वाहन, वितरण सामग्री एवं शासकीय विक्रेता सहित ग्राम में आएगा, हितग्राहियों को राशन वितरित किया जाएगा। यही नहीं, योजना के तहत स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राशन वितरण में उपयोग होने वाले वाहनों के अनुबंध के लिए भी उसी क्षेत्र के अनुसूचित जनजातीय वर्ग के युवाओं का चयन किया जाएगा। सरकार उन्हें 2-3 लाख की मार्जिन मनी एवं न्यूनतम दर पर ऋण भी दे रही है। सरकार द्वारा मुझे ये जो ऋण मिला है, जो कि उनके द्वारा हम गाड़ी मालिक बने हैं, 4 किलोमीटर जाना पड़ता राशन लोन के लिए। अकेली चक्कर आती है, शरीर कपती है, लाने वाले धरने वाले कोई नहीं है। हमारे गांव में राशन आ जाएगी, बढ़ जाएगी, परेशानी कोई को नहीं होएगा।
मोदी जी को धन्यवाद, मुख्यमंत्री को आशीर्वाद। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी नाम मात्र की शुल्क पर राशन देते हैं। धन्यवाद मोदी जी। ये ऐसे ही प्रधानमंत्री कर सकता है जिसके दिल में गरीबों के लिए दर्द हो। नवासी जनजातीय विकास खंडों में संचालित होने जा रही ये योजना लाभार्थियों के श्रम, समय और आजीविका की रक्षा भी करेगी एवं उनके लिए समृद्धि के नए द्वार भी खोलेगी। देवी सज्जनों, इस योजना से प्रदेश के 16 जिलों में लगभग 6600 गांवों में 7.5 लाख परिवारों को सीधे इसका लाभ मिलेगा। आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय इस योजना से जुड़ रहे दो वाहन चालक